कल रात को जो हम लोग पहुंचे थे उसके बाद हालत बिल्कुल डाउन हो गई थी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, उदयपुर सिटी बहुत ही प्यारी सिटी है। मुदासा के लिए जो वो टर्न आता है ना, वो हम लोगों ने लिया अराउंड 130-150 किलोमीटर ऐसे हो गया, अभी पता नहीं कितने हो गए। यस यस की बातें अपने पढ़ी है। अच्छा आप क्या करते हैं, टीचर है क्या? गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर। ओहो, ये देखो सन डाउन होने को आया है और हम लोग अभी रुके हैं, एक छोटा सा टाइम पास ब्रेक लिया, खाना नहीं अभी भी खा रहे। ए भाई क्या कर रहा है, देख के करना, अकेला है क्या? वो 12:20 हो चुके हैं और बॉडी है ना लिटरली जवाब दे रही है, माइंड एकदम कुछ काम नहीं कर रहा है, एक दो सेकंड तो ऐसे ही गायब हो रहे हैं बीच में से। सुबह के 8:20 हो चुके हैं और ये होटल मंगल निवास हम लोग यहाँ पे रुके थे। बहुत ही छोटा रूम था बट हम लोगों को बस सोने के लिए ही चाहिए था, तो उसके वजह से फाइन ओके। तो कल रात को जो हम लोग पहुँचे थे उसके बाद हालत बिल्कुल डाउन हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आता, सर वगैरह हिल रहा था, बॉडी एकदम से हिल रही थी, क्योंकि 900 किलोमीटर करके आए थे वो भी बारिश में भीगते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने 900-1000 किलोमीटर किया नहीं है, बट द थिंग इज़ कि ना वो बारिश में जब भी हो गया ना तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, तो सुबह उठने को भी लेट हो गया। हम लोग सोच रहे थे कि 7 के आसपास उठेंगे निकलेंगे यहाँ से, बट अभी 8:30 को आए तो वो डिले हो रहा है, बट ठीक है अभी घर ही जाना है तो कोई टेंशन नहीं है, भले ही 11-12 आराम से जाएंगे, धीरे धीरे रुकते रुकते जाएंगे। और बस इतना ही, अभी उदयपुर में है, उदयपुर से अभी जो घर का डिस्टेंस है थाना का वो है 750 किलोमीटर, तो वो कवर करेंगे, उदयपुर सिटी के बीच से जाने वाले हैं। और बस अभी सब लगेज वगैरह सब सेट कर रहे हैं, मेरा तो हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये टाई करना है। हाँ थक गए, अभी भी ऐसा है ना नींद पूरी नहीं हुई है और बॉडी अभी भी थोड़ा सा ऐसा दर्द में है, और माइंड जो है ना ऐसा दिमाग भी अभी थोड़ा सा अभी भी सुस्त है ऐसा बोल सकते हैं। तो फटाफट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग पे, ब्रेकफास्ट है वो यहाँ से निकल के करेंगे, अभी चाय वगैरह पिया है, दैट्स इट ओनली। और मेरे ये जो दोनों गाल ऐसे दबा रहा है ना हेलमेट उसके वजह से बात करने के लिए ऐसा आवाज़ एकदम ये हो रहा है, बट ठीक है। सिटी की तरफ हम लोग अभी जा निकल रहे हैं, तो फ्यूल इतना है कि आराम से हम लोग एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकेंगे, क्योंकि एक बार उदयपुर सिटी क्रॉस कर दिया उसके बाद स्लोप ही स्लोप है, तो आराम से ना जितना फ्यूल जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि 2 आई थिंक भरना पड़ेगा आज, तो उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना अभी शुरुआत में इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे, आज घर ही जा रहे हैं हम लोग, अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है और जो थकावट हो रही है ना, मतलब कल रात का जो पेन है ना, जो स्ट्रेस है वो अभी तक निकला नहीं है, जो नींद आ रही थी सुबह आँख खुली नहीं रही थी, बॉडी बहुत मतलब ऐसा पैर और हाथ जो है ना वो पूरा ऐसा एकदम दर्द कर रहे थे, बट ये जो लास्ट पैच है वो करना भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, नहीं तो कल रेस्ट डे है और उसके बाद ऑफिस का काम चालू हो जाएगा। सो अगर आज कहीं यहीं पे आराम कर दिया होता तो कैसे ना वो कल का दिन नहीं मिलता, क्योंकि थोड़े थोड़े से किलोमीटर के लिए वापस वो सब गेयर अप करना, वो सारी चीज़ें करना वो बराबर नहीं है, एटलीस्ट पूरा दिन मिलता है आराम करने का ऐसे। तो ये देखिए हम लोग उदयपुर सिटी के बीच से गुजर रहे हैं, आई लव उदयपुर और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, उदयपुर सिटी बहुत ही प्यारी सिटी है, मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मतलब जितना हो सकता था उतना मैं बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए उदयपुर के, इवन कुंभलगढ़ वगैरह जो भी है ना वो भी मैंने सब एक्सप्लोर किया है, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा यहाँ पे। बट अभी का जो टेम्परेचर है ना बहुत सही है, मतलब एकदम ऐसा प्लेजेंट वेदर है, बस वो दोपहर के टाइम पर ये
सनलाइट की वजह से जो गर्मी होगा बाद में वो अलग है, बट मज़ा आता है यहाँ का ना, बहुत हल्का सा ठंडा रहता है। और अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर या जान फेब में आ रहे हो तो ठंडी का सीज़न में तो यहाँ पे ख़तरनाक ठंडी रहती है, मज़ा आता है एकदम रहने का, स्टे करने के लिए बहुत मज़ा आता है। फतेह सागर लेक है, उसके बाद वो महल है, सनसेट के लिए लोग वहाँ जाते हैं, तो बहुत खूबसूरत है उदयपुर। तो सीमा समाप्त राजस्थान। हम लोग अभी 10:39 हो गए हैं और यहाँ राजस्थान बॉर्डर हमने क्रॉस करके गुजरात में हम लोगों ने एंटर कर दिया है। ये है चेक पोस्ट गुजरात का। अभी यहाँ से मुदासा के लिए जब भी टर्न ले लेंगे ना, राइट टर्न लेफ्ट टर्न ले लेंगे, तभी हम लोग रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो पहुँच गया अभी, जो मुदासा के लिए जो वो टर्न आता है ना वो हम लोगों ने लिया, अराउंड 130-150 किलोमीटर ऐसे हो गया, अभी पता नहीं कितने हो गए। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके, यहाँ पे पराठा बोल दिया है। यहाँ से अभी और 500-600 किलोमीटर के आसपास घर है, बहुत दूर जाना है। बहुत गर्मी हो रही है अभी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कितना लाइट है। और अभी तो 11 बजे, अभी 1-2 बजे का, तभी तो बहुत ही ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी। ठीक है, कल का दिन आराम है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से फिर निकलते हैं। 155 किलोमीटर हो चुके हैं, 12:02 हो चुके हैं और हम लोग मस्त एकदम क्रूज कर रहे हैं। आज जो है वो मैं 70-75 के आसपास मेरा स्पीड है। कल हम लोग मैं खींच रहा था 90-85-90 ऐसे खींच रहा था, क्योंकि कल कैसे है ना वो 900 का मार्क क्रॉस करना था, टच करना था। 890 किलोमीटर हम लोगों ने कल किए होटल तक, और प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बट द थिंग इज कि जो शुरुआत बहुत सही हुआ, बट जो बीच में बारिश ठंड वगैरह क्रॉस विंड वगैरह हुआ ना, उसके वजह से ना बॉडी है ना वो एनर्जी निकल लूज कर दिया उसके वजह से। और फिर अचानक से सामने फिर जो हीट स्टार्ट हो गई, फिर हम लोगों ने राजस्थान जयपुर वगैरह की तो हीट में जो बाइक चलाई है ना, तो उसमें कैसे ना बॉडी ने जो पूरा जवाब दे दिया। तो लास्ट के जो 3-4 घंटे जो हम लोगों ने कंटिन्यू खींचे, 240-250 किलोमीटर्स कंटिन्यू नॉन स्टॉप जो हम लोगों ने खींचे ना, तो इतना हिल गई थी ना बॉडी, इतना प्रेशर में थी कि जब मैं उतर के रिसेप्शन पे खड़ा था होटल के, तो वहाँ पे भी है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाइक के ऊपर बैठा हूँ और सब कुछ ऐसे हिल रहा है, ऐसे मूव हो रहा है, तो वो फील आ रहा था, इतना हालत ख़राब हो गया था। ये अगर बारिश नहीं रही थी ना तो इतना इशू नहीं होता और हम लोग आराम से मतलब इतना ड्रेन नहीं होती हमारी एनर्जी। बट टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे, भले ही गर्मी है बट स्टिल इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे। अभी घर पे ही जाना है, तो अभी ETA तो दिखा रहा है 11:30 बजे, अगर 12:30-1 बज गया तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग बस घर ही जा रहे हैं। ये खास ऐसा बनवा रहा था। अच्छा सो मुझे एक रास्ते में एक राही मिले, ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द बाइक। और जो बनाया, क्या नाम है आपका? मेरा प्रसन्न नाम है, प्रसन्न। यस, प्रसन्न मुरुडकर। वैसे आपका स्टेट कहाँ सा स्टेट? महाराष्ट्र से निकला हम। जी ठाणे से निकले। ठाणे? पुणे ठाणे। हाँ, मुंबई के बाजू में। हाँ जी। महाराष्ट्र पुणे, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले। हाँ यस यस, की बातें अपने पढ़ी है। अच्छा, आप क्या करते हैं? टीचर है क्या? गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर। ओहो, तो इसीलिए मैंने देखा, इसीलिए आपको रोका। नहीं, अच्छी अच्छा बात है। थैंक यू। चलो थैंक यू। नहीं चलेगा, अरे कुछ नहीं। आपका नाम क्या? वरिया जेस। ओके, तो ऐसे मिलना अच्छा लगता है। अभी मुझे थोड़ी सी आदत ये लगने लगी है, पहले बहुत डर लगता था बट के किसी ने अगर पूछ लिया कि क्या है यूट्यूब वगैरह है तो, बट अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है बताने को, बात करने को, लोग मिलते हैं, प्यार दिखाते हैं, सही है। सो गाइज, इफ यू वॉचिंग दिस, डू सब्सक्राइब द चैनल। गोधरा पहुँच चुके हैं और गुजरात में मतलब ये मुदासा गोधरा वगैरह जो अभी मैं दो ये सिटीज़ देख रहा हूँ ना, सिग्नल नहीं है कहीं पे भी, लेकिन कैमरास बहुत लगे और लाइट्स। सो अब
खतरनाक है, मतलब ये अलग ही रूल है यहाँ का, लेकिन अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है 260 किलोमीटर्स, 447 किलोमीटर बाकी है, धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी बस ये गोधरा जो सिटी है ये एक बार क्रॉस कर रहा है, उसके बाद हम लोग मस्त एकदम वडोदरा तक नॉन स्टॉप जाएंगे। अरे हाँ, और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, सो हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगा, सो तब तक नवरात्रि ख़त्म हो गए, दसरा वसरा वगैरह सब खत्म हो गया रहेगा, बट स्टिल हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन गाइस। सो हम लोग रुके थे अभी होटल वेट फास्ट फूड सब इसमें, ये होटल में अभी खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, बस चार गिलास छाछ पिया, क्योंकि कैसे हम लोग रात को पहुंचने वाले हैं 12 एक बजे के आसपास, तो अभी खाना खाएंगे तो वापस रुकना पड़ेगा खाना खाने को, तो वो दो बार हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से अभी मैंने बस चार गिलास छाछ मार दिया। उसके बाद 5:30-6 बजे के आसपास जहाँ पे भी पहुँचेंगे वहाँ पे हम लोग खाएंगे खाना। सो अभी निकलते हैं यहाँ से वडोदरा का जो पॉइंट है वो है अराउंड 13-14 किलोमीटर, उसके बाद लगेगा अपना मुंबई गुजरात हाईवे। हम लोग भरूच के आसपास है, भरूच अभी लग जाएगा, और ये उससे पहले रिवर लगी है। बहुत राइड हो गई, अभी थोड़ी सी थकावट फील हो रही है, और हमारे कितने 416 के आसपास किलोमीटर हो चुके हैं। सो मैंने पेट्रोल भर दिया और मेरे किलोमीटर देखो 26,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी जो मैंने फ्यूल अप किया ना वो 9 लीटर्स कुछ तो मैंने डाला, मतलब अंदर 6 लीटर था और यहाँ पे नीचे आ गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं टेंशन में आ गया, इसके लिए मैंने डाल दिया। बट द थिंग इज बाइक ने है ना जो माइलेज दिया है इट इज़ अराउंड 38-39 के आसपास मुझे माइलेज मिला है, क्योंकि पेट्रोल भरने के बाद अभी 441 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ, जिसमें से 40 से 50 किलोमीटर मैं फ्यूल अप करने से पहले भर दिया था, और उसके बाद 400 किलोमीटर चली है, मतलब माय गॉड 70 के स्पीड से जो मैं चल रहा हूँ ना, खतरनाक माइलेज मुझे मिल रहा है। मैं अभी वही कंटिन्यू करने वाला हूँ और सूरत के बाद वापस फ्यूल अप कर दूंगा क्योंकि मुझे इतना लगा नहीं था इतना कम पेट्रोल में इतना जाएगी, और यहाँ पे प्राइस कम है तो मैं वो एक बार चीज कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, सो 5:43 हो गए हैं, सन डाउन हो गया, कहाँ पे, यहाँ पे ये देखो सन डाउन होने को आया है, और हम लोग अभी रुके हैं, एक छोटा सा टाइम पास ब्रेक लिया, खाना नहीं अभी भी खा रहे, अभी थोड़ा सा है ना बस हाइड्रेट होके और थोड़ा सा फ्राइज वगैरह खा के हम लोग आगे पुश कर रहे हैं खुद को। 9 बजे के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे आहूरा, तो आहूरा पहुँच रहे हैं तो मस्त एकदम वहाँ पे जाके हम अपना खाना खाएंगे, क्योंकि कैसे घर पे तो 12-1 बजे ही पहुँचना है, तो उसके लिए अगर खा रहे कहीं पर रुकना है अभी अगर खाने का तो फिर अच्छी जगह पर रुक के खाते हैं। सो मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, खा लेता हूँ, और देन यहाँ से हम लोग भागते हैं और आहूरा पहुँचते हैं जल्दी। और क्या सच में यार क्या तगड़ा माइलेज मिला है, 40 के आसपास, 9 लीटर्स में वो 400 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है, तो अराउंड 440 का माइलेज मुझे मिला है, बेस्ट। 70 की स्पीड से भगा मैं, एकदम लाइट थ्रॉटलिंग कर रहा था पूरा टाइम, मज़ा आ गया। ये देखो मेरी बाइक का बाइक क्या क्या कर रहा है, देख के करना, अकेला है क्या? उसके साथ साथ ऐसे चुटिया लोग भी मिलते हैं जो कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ समझ में नहीं, कंट्रोल जाने दो। तो कंट्रोल उदय, उसके साथ साथ ऐसा एक ट्रैफिक भी लगा है, तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं और प्यार से हम लोग इसे क्रॉस करेंगे। अभी बाइक पे है इसके लिए कैसे ना टेंशन नहीं होता, धीरे धीरे जा रहे हैं, बट
कार वालों की तो लग गई पूरी एकदम। अभी यहाँ से निकलते, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही बचा। और राइट गाइस, तो मैं अभी खड़ा हूँ ये नवसारी का टोल नाका जो है, बोरियाज टोल नाका जो है मेरे पीछे, उसके यहाँ पे जो क्रेजी राइडिंग हो रही है ना अभी रात का टाइम में, सारे सेंसेस एकदम ऐसा परफेक्टली काम कर रहे हैं, आँख एकदम बड़ी करके और फुल एकदम फ्लो में, एकदम ऐसा स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया है लग रहा है, लेकिन जो निकल रहा था ना, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, लेकिन मज़ा आ गया चलाने के लिए, थोड़ा डर भी लग रहा था। तो अभी यहाँ पे, यहाँ से अभी 217 किलोमीटर घर है और 100 किलोमीटर अहूरा है, तो मॉरिस के लिए वेट कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा पीछे रह गया, जैसे वो आता है हम लोग निकलते आगे 100 किलोमीटर के बाद खाने के लिए रुकेंगे। खतरनाक राइड हो रही है, खतरनाक। वो रात को अभी कितना, 8:15 बज चुके हैं एक्चुअली। सुपर राइड। तो मैं अटक चुका हूँ इस ट्रक के ट्रैफिक में, ज़्यादा लंबा नहीं है ये, अभी जो महाराष्ट्र बॉर्डर है उसका ट्रैफिक है, सब लोग ट्रक जो है साइड में चेकिंग पॉइंट या फिर जो होता है तो वहाँ पे जा रहे हैं, और मैं अकेला यहाँ पे अटका हुआ हूँ। और अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग है ना उधर से रॉन्ग वे से भी जा रहे हैं, तो वो रास्ता मुझे पता नहीं था, तो मैं अटक गया यहीं पे। बट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस निकल जाऊँगा यहाँ से, बस थोड़ा सा एक थोड़ी सी जगह मिल जाए, ये देखो सामने है ना जगह एकदम, बस वहाँ तक पहुँचना है, जैसे वहाँ तक पहुँच गया ना बस ओके ओके ओके। एंड ये हम लोग निकल चुके हैं महाराष्ट्र बॉर्डर एंटरिंग। ये लंबा ट्रैफिक है अभी, अच्छा वो गैप मिल गया बीच में, अभी बस एकदम 13 किलोमीटर में अहूरा आ जाएगा। और भूख लगी है मुझे बहुत ज़्यादा, 9:38 हो चुके हैं, दिन में पूरा दिन सिर्फ सुबह पराठा खाया था, बाकी और कुछ नहीं। एंड दिस इज द सिचुएशन, शायद अपोजिट साइड में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और राइट, सो मैं अकेला मैं पहुंच चुका हूँ अहूरा, और मौरी से अभी भी ट्रक ट्रैफिक में, जो पीछे लगा था बहुत गंदा लगा था, बट बीच पीछे निकाल के हमने पहुंच गया। सो अभी यहाँ पे करेंगे हमारा डिनर, वेट कर रहा हूँ उसका, वो आएगा एक अराउंड 10-15 मिनट उसको लगेगा, तो वहाँ वेट करता हूँ और फिर जाता हूँ खाने के लिए। बस अभी खा के, अब पता नहीं कैसे बाकी आगे के आई थिंक 2.5 to 3 hours तो लग जाएंगे, मज़ा आएगा। और राइट, सो हम लोग पहुंच चुके हैं टोल नाका पे, और जो खतरनाक नींद आ रही थी, तो इतना अभी खतरनाक राइड हो रहा है ना, मतलब 10-10 5-5 किलोमीटर के लिए भी ना हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो अभी फट से चाय पीते हैं, और 47 किलोमीटर बाकी है तो वो कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, अभी देखते कैसे होता है। बहुत टफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा टफ, बहुत चैलेंजिंग हो रहा है सब मेंटल। और 12:20 हो चुके हैं, और बॉडी है ना लिटरली जवाब दे रही है, माइंड एकदम कुछ काम नहीं कर रहा है, 1-2 सेकंड तो ऐसे ही गायब हो रहे हैं बीच में से। 44 किलोमीटर टू गो, हम लोगों ने अभी रुक के मुंह पे पानी मारा, चाय पिया, और फिर से हम लोगों ने डिसाइड किया कि और 20 किलोमीटर के बाद हम लोग फिर से रुकेंगे और सेम चीज़ रिपीट करेंगे, अगर चाय मिल रही है तो चाय पियेंगे, मुँह पर पानी मारेंगे, और जो लास्ट के 40 किलोमीटर बचे हैं, 44 किलोमीटर वो कंप्लीट करेंगे। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ऐसा आँख लिटरली खुली रखना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है, तो देखते हैं कैसे होता है। मैं फाउंटेन अभी तक यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास है, और सामने से ना बराबर से दिख भी नहीं रहा है अभी, बीच बीच में ये जो ऐसे बना के रखे ना, ऐसे लग रहा है कोई तो इंसान है, मैं ऐसे ही उनको हॉर्न बजा रहा हूँ, इतना माइंड से ऊपर से कंट्रोल जो है ना वो हिल रहा है, और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है ब्रेकिंग करने के लिए, और रोड ऊपर नीचे ख़राब जो है ना वो, तो वो भी दिख नहीं रहा है क्योंकि हाई बीम आ रहा है, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ एक साथ आ चुकी है, और ये एक अलग चैलेंज हमारे लिए बन गया है। अराउंड 1:30 बजे के आसपास मैं घर पहुंच चुका था, बट
आते टाइम एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से नहीं कि मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि रोड बराबर नहीं था, थोड़ा सा ग्रेवली रोड था और थोड़ा ब्रेकिंग गलत हो गया था, तो मैं उसकी पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बट हम लोग फाउंटेन के यहाँ पे रुके थे, उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि हम लोग बराबर है कि नहीं, और उसके बाद हम लोग आगे निकले। सो इस तरह से मेरी स्पीति जर्नी जो है वो हो चुकी है कंप्लीट, और अभी देखते हैं नया कौन सा सफ़र आएगा। बट बहुत ही खूबसूरत सफ़र था, 13 डेज हम लोग कंटिन्यू राइड कर रहे थे, बहुत ही माउंटेन वैलीज, रिवर्स, हाईवेज, मड, जो रोड मिला उस रोड से हम लोगों ने चला, और ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही। एंड में जो इंसिडेंट हुआ उसके वजह से बाइक को थोड़ा सा डैमेज हो गया था, हैंडल बार को थोड़े से स्क्रैचेस आ गए थे, उसके बाद जो लेग गार्ड है, जो क्रैश गार्ड है, उस वो थोड़ा बेंड हो गया है, उसके बाद जो लीवर था, ब्रेक वगैरह लीवर था, वो थोड़ा सा वो मुड़ गया था, उसके बाद जो मेन इम्पैक्ट है वो कैसे जो हैंडल जो नकल गार्ड था और जो पैनियर था उसने ले लिया था, तो उसके वजह से बाइक एक बराबर डिस्टेंस के ऊपर आकर रुकी थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बट सबसे बेस्ट चीज़ आई थिंक मुझे ऐसी लगती है कि बाइक है ठीक है, बाइक बहुत सही है, बट उसके साथ साथ जब भी मेंटेनेंस का टाइम आता है और अराउंड 5,500 और 6,000 के आसपास मेरा खर्चा हुआ था ऑयल चेंज के बाद, जो भी डैमेजेस हुआ था वो सब रिकवर करके 6,000 के अंदर मेरा हर वो खर्चा निकल गया। सो आई वॉज मोर देन हैप्पी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इतने सस्ते में सब कुछ हो गया। सो थैंक यू गाइज, इतने दिन का जो रिकॉर्डिंग था, इतने दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आपके साथ मैंने शेयर किया, और आपने उसको देखा और अप्रिशिएट किया बहुत सारे लोगों ने। सो आई रियली थैंक यू, और ये स्पीति सीरीज यहाँ पे ख़त्म होती है। सो विद दैट सेड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर न्यू वीडियोज। बहुत अच्छी आगे बहुत तगड़ी वाली जर्नीज आने वाली है, तो उसके लिए थैंक यू, बाय।